दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की स्मृति में सप्त दिवसीय व्याख्यान माला का शुभारंभ हुआ। आपको बता दें कि कार्यक्रम का शुभारंभ गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय अपने संबद्ध महाविद्यालयों के नाम से भी जाना जाता है। विश्वविद्यालय से संबद्ध 350 महाविद्यालयों में दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज गोरखपुर हमेशा नंबर एक पर रहा है। महंत दिग्विजयनाथ मात्र संत ही नहीं बल्कि शिक्षा के प्रति समर्पित कुशल राजनीतिज्ञ एवं सामाजिक सरोकारों के प्रति अग्रणी रहे हैं। विश्वविद्यालय ने इस महाविद्यालय से भौतिक और सांस्कृतिक विरासत को प्राप्त किया है। विश्वविद्यालय की स्थापना में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और महंत दिग्विजयनाथ का विशेष योगदान रहा है। शिक्षा में ज्ञान के साथ मार्केट आधारित प्लानिंग भी होनी चाहिए। सभी विद्यार्थी अपने लक्ष्य निर्धारित करें और उस दिशा में प्रयास करें, तभी हम वर्तमान चुनौतियों के साथ खुद को स्थापित कर सकेंगे। नई शिक्षा नीति में दिग्विजयनाथ के विचारों के साथ हम बेहतर कार्य कर सकें, यही उस युग पुरुष के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। महाविद्यालय अपने संस्थापकों के सामाजिक, राजनीतिक एवं आध्यात्मिक जीवन पर आधारित पाठ्यक्रम बनाए, जिसे अपने यहाँ लागू करें और विश्वविद्यालय में भी भेजें, जिससे आगे विद्यार्थियों से फीडबैक प्राप्त किया जाए। उन्होंने भारतीय के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं के अध्ययन पर भी बल दिया तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मंशा के अनुरूप शिक्षण में तकनीकी के प्रयोग एवं शोध अभिगम के साथ नवाचार को बढ़ावा देने की बात कही। उन्होंने कहा, बदलते परिवेश के साथ हमें अपनी सोच बदलनी होगी। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 170 क्रेडिट का कोर्स जो लाया जा रहा था, उसे व्यवहारिक रूप में लागू करने में दिक्कतों के मद्देनजर उसे संशोधित करते हुए अब 24 क्रेडिट प्रति सेमेस्टर के कोर्स को लागू किया गया है। कोर्स बनाते हुए क्रेडिट लोड के बारे में भी विचार करना चाहिए। दुनिया के 10 सर्वोत्कृष्ट विश्वविद्यालयों को देखते हुए उनके स्तरीय स्तर का बनने का स्वयं भी प्रयास करना होगा। इस अवसर पर दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर ओपी सिंह, प्रोफेसर धीरेन्द्र सिंह, डॉक्टर सत्येंद्र प्रताप सिंह, डॉक्टर शुभ्रा श्रीवास्तव, डॉक्टर अर्चना सिंह, डॉक्टर निधि राय, डॉक्टर विभा सिंह, डॉक्टर सुभाष चंद्र, अनिल भास्कर, इंद्रीश पांडे, डॉक्टर आर पी यादव, पीयूष सिंह, डॉक्टर शैलेश सिंह, डॉक्टर सुनील सिंह, डॉक्टर श्याम सिंह, जितेंद्र कुमार पांडे, विवेकानंद, डॉक्टर नीतीश शुक्ला, रविन्द्रनाथ सहित अन्य लोग मौजूद रहे। मैं सबसे पहले महाविद्यालय की छात्राओं को आमंत्रित करता हूं माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन कर प्रीत श्रोमण प्रताप मां सरस्वती और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की सभी संस्थाएं अपने संस्थापकों के लगभग एक सप्ताह का शुद्ध व्याख्यान माला का आयोजन करती है और उन्हीं कार्यक्रमों के मद्देनजर 25 अगस्त से 31 अगस्त के बीच रखा गया है और उसी कार्यक्रम
ज्ञान माला के प्रथम दिवस के उपलक्ष्य में आज ये कार्यक्रम सब कार्यक्रम जो है रखा गया है। इस कार्यक्रम में आप लोग इकट्ठा हो, इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार जी जिसके मुख्य अतिथि हैं, साथ ही इस कार्यक्रम का अध्यक्षता कर रहे महाविद्यालय के प्राचार्य जी, उसके बाद महाविद्यालय के सभी वरिष्ठ शिक्षकों, समकक्ष शिक्षकों तथा अनुप्राध्यापक मित्रों, प्राध्यापिका बहनों, महाविद्यालय के शोधार्थियों, महाविद्यालय के विद्यार्थियों और उसके साथ ही साथ मीडिया से आए सहयोगी बंधुओं को भी इस कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ जैसा कि पहले से सूचना दी जा चुकी है कि यह कार्यक्रम महाविद्यालय के विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसका लाइव प्रसारण होता है, हो भी रहा है, तो महाविद्यालय के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए लोग हैं उनका भी मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। यह मैं कह रहा चौथा इस रूप से मैं ज्वाइन किया हूँ वाइस चांसलर दीनदयाल उपाध्याय जोधपुर के, चौथा पारी है जो मैं यहाँ पे हूँ, इस कमरे में हूँ, विभिन्न कार्यक्रमों में आया हूँ। मैं आपसे बताना चाहता हूँ जब भी मैं आता हूँ कि विश्वविद्यालय एक कोऑर्डिनेटिंग अफिलेटिंग एज वेल एज रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, तो जो इसके एफिलेटेड कॉलेज होते हैं उससे भी विश्वविद्यालय जाना है। लगभग जब विश्वविद्यालय की जब स्थापना हुई 64 साल 58 में 64 साल से लिटरली जो सारे पूर्वांचल में जो पहला विश्वविद्यालय था, जब इंडिपेंडेंस की बात स्थापित किया गया और बहुत सारे कॉलेजेस हैं, अभी भी करीब 350 कॉलेजेस हैं। और मुझे अच्छा इसलिए लगता है कि जब कभी मैं अपने रिलेटेड कॉलेजेस एडिट कॉलेज की चर्चा करता हूँ तो दीनदयालनाथ पीजी कॉलेज तो हमेशा टॉप पे रहता है, नाम पर बन पे रहता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये एजुकेशन जो है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। आपने महंत दीनदयालनाथ जी जिन्होंने गोरखनाथ मंदिर के सूफी रहे हैं, आर्किटेक्ट रहे हैं, वो केवल एजुकेशनिस्ट ही नहीं थे। फ्रीडम स्ट्रगल में देखिए, अध्यात्म में देखिए, संस्कृति में देखिए, भाषा में देखिए, केवल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में देखिए, सोशल स्ट्रक्चर में देखिए, वो हर जगह इन्वॉल्व रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो एजुकेशन ये गोरखनाथ प्रांत में गोरखपुर में जो स्टार्ट हुई है उनमें उनका बहुत बड़ा है। शायद हम सबको पता है कि महाराणा प्रताप का जो स्पेशल ट्रस्ट है उसकी उन्होंने स्थापना उसी की नहीं की बल्कि विश्वविद्यालय में को स्थापित करने में बहुत बड़ा उपयोग कर रहा है। तो मुझे हमेशा खुशी होती है जब भी मैं बुलाया जाता हूँ, मैं टाइम निकाल के आता हूँ और मुझे इतना महसूस होता है कि मैं इस सिलसिले का एक हिस्सा बन रहा हूँ, कि ये ख्याति महाविद्यालय का हिस्सा बन रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है आप अपनी जो ऊंचाइयाँ हैं उनको मेंटेन करेंगे, उसको लगातार प्रगति पे जाएंगे।
रविंद्रनाथ जी के बारे में मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, आप सभी जानते हैं इस विद्यालय में वो बेसिकली चित्तौड़ मेवाड़ मेडिकल मेवाड़ में ही था, वहाँ पे एक एजुकेशन के काम से गया हुआ था, वहाँ से आए यहाँ पे 5 वर्ष की आयु में ही यहाँ पे आ गए और उन्होंने अपनी शिक्षा योग में थोड़े से ली और कैसे वो आगे बढ़े, कैसे इस संस्थानों को आगे बढ़ाया वो एक हमेशा उसमें चर्चा होती रहेगी और उससे आप लोगों को ध्यान देते रहना है। 13-15 अगस्त 1935 को उन्होंने योग की दीक्षा ली और 15 अगस्त 1935 को इस पीठ के सदस्य बने और उसके बाद उन्होंने पूर्वांचल में बहुत सारे अपना योगदान दिया और मैं चाहूँगा कि आपका कॉलेज एक कोर्स आए उनके कैरेक्टर पे, उनकी मॉरल पे, उनके स्ट्रगल पे एक कोर्स बनाए जैसे हम लोगों ने बनाया है। हम लोगों ने एक कोर्स बनाया है दीनदयाल उपाध्याय जी के 2 क्रेडिट का और 1-2 क्रेडिट का जो भी गोरखनाथ जी बनाया है। तो मैं चाहता हूँ कि ये परंपरा आपके साथ आए, एक कोर्स आप दीनदयाल जी में 2 क्रेडिटों का बनाएं और उसको आप देखें कि ये बच्चे हमारे आपके जितने भी महाराणा प्रताप के अम्ब्रेला में इस शिक्षा परिषद के अम्ब्रेला में जितने काले आते हैं वो बच्चे पढ़ें। तरीका वही है उसका कि उस कोर्स को आप आगे लेके आइए, हमारे अकेडमिक और ऑप्शन में लाइए और अकेडमिक काउंसिल में लाइए तो ये हिस्सा बनेगा और ये एक री एजुकेशन पॉलिसी का एक पिलर है कि आप एक सिस्टम है। मैं अभी एजुकेशन पॉलिसी के बारे में चर्चा करूँगा, उसकी चर्चा करूँगा। एक आस्पेक्ट उसका जो इम्पोर्टेंट है कि मॉरल एथिकल है, तो आप किस पैरामीटर को आप लेते हो जिससे कि आपके स्टूडेंट में मॉरल और एथिकल वैल्यू को बढ़ा जाए, तो मुझे लगता है कि इसमें की कोशिश ये बड़ी अच्छी शुरुआत होगी और बड़ी पहचान होगी, इस प्रांत की पहचान होगी, इंडस्ट्री की पहचान होगी।